नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गाय की एंटीबॉडी से खत्म होगा कोरोना। अमेरिकी कंपनी ने खोजा कोरोना का नया इलाज। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों को एक नया हथियार मिल गया है। यह हथियार मिला है गाय के शरीर में। गाय के शरीर के एंटीबॉडीज का उपयोग कोरोना वायरस को खत्म करने में किया जा सकता है। यह दावा अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी ने किया है। अमेरिकी बायोटेक कंपनी सैब बायोथेरापियोटिक्स ने कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गायों के शरीर से एंटीबॉडी निकालकर उनसे कोरोना वायरस को खत्म करने की दवा बनाई जा सकती है। कंपनी जल्द ही इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाली है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में संक्रामक बीमारियों के फिजिशियन अमेश अल्दाजा ने कहा है कि यह दवा बेहद सकारात्मक, भरोसा देने वाली और आशाजनक है। हमें कोरोना वायरस को हराने के लिए विभिन्न हथियारों की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर वैज्ञानिक एंटीबॉडीज की जांच पड़ताल प्रयोगशालाओं में कल्चर की गई कोशिकाओं या फिर तंबाकू के पौधों पर करती हैं, लेकिन बायोथेरापिटिक्स 20 साल से गायों के खुरों में एंटीबॉडीज को डेवलप कर रही है। कंपनी गायों में जेनेटिक बदलाव करती है ताकि इनके इम्यून सेल्स और ज्यादा विकसित हो सकें, खतरनाक बीमारियों से लड़ सकें। साथ ही ये गाय ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनाती हैं जिनका उपयोग इंसान को ठीक करने में किया जा सकता है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट विलियम क्लिमस्त्रा ने कहा है कि इस कंपनी के गायों के एंटीबॉडीज में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने की ताकत है। गाय अपने आप में एक बायोरिएक्टर है। गायें भयानक से भयानक बीमारियों से टकराने के लिए भारी मात्रा में एंटीबॉडीज बनाती हैं। सैब बायोथेरापियोटिक्स के सीईओ एडी सुलविन ने बताया कि गायों के पास अन्य छोटे जीवों की तुलना में ज्यादा खून होता है, इसलिए उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा बनते हैं, जिन्हें बाद में सुधार कर इंसानों के उपयोग में लाया जा सकता है। एडी ने बताया कि दुनिया की ज्यादातर कंपनियां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विकसित करने में लगे हैं, जबकि गाय के साथ अच्छी बात यह है कि गाय पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनाती है। ये किसी भी वायरस को खत्म करने के मामले में किसी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से ज्यादा सक्षम होते हैं। एडी सुलविन ने बताया कि जब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, तभी हमने यह रास्ता चुना था। वहीं से हमें पता चला कि गाय के एंटीबॉडी में बाकी जीवों के एंटीबॉडी की तुलना में ज्यादा ताकत होती है। सुलविन ने कहा कि 7 हफ्ते के अंदर गाय के शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी तैयार होते हैं। इस दौरान गाय बहुत ज्यादा बीमार भी नहीं हो रही है। जांच करने पर पता चला कि गाय के शरीर में बन रहे एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर दिया है। गाय के प्लाज्मा को लैब में जांचा गया तो पता चला कि यह इंसानी प्लाज्मा थेरेपी यानी कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह कोरोना वायरस को इंसान के शरीर की कोशिकाओं में घुसने ही नहीं देता। एडी ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में गाय की एंटीबॉडी का इंसानी क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेंगे ताकि यह पता कर सके कि यह इंसानों में कितना कारगर है। हमें उम्मीद है कि गाय के खून से निकाली गई एंटीबॉडी बाकी अन्य दवाओं और इलाज से बेहतर होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद।